एट हैविंग एन अमेजिंग डे। आज किसी का हमने बर्थडे सेलिब्रेट करना है, आधा आज करेंगे आधा कल करेंगे, दो टुकड़ों में हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। फैसे फसी का बर्थडे होता है 6 जुलाई को, और ये जो बात मैं आपसे कर रही हूँ ना, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता, और अगर किसी को पता लगेगा ना, किसी ने मुझे बहुत कुछ कहना है। दरअसल बात ये हुई थी कि फसी का जिस दिन बर्थडे था एक्चुअली में 6 जुलाई को, उस दिन मेरे पेपर से, तो मैंने कहा था कि नहीं हो सकता फसी का बर्थडे आज, तो आगे कर। अब किसी को ये पता कि हम उसकी बर्थडे कल सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन फिर उसे ये नहीं पता कि हम आज कोई बहुत बड़ी चवली मारने वाले हैं। मेरा आइडिया ये था कि इतनी गर्मी है, गर्मी में बलून्स को लगाना फुलाना और ये सारे काम करना ना गर्मी वाला काम है, और वैसे भी जब पंखा चलना है सारे बलून्स का हशर मशर हो जाना है, तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना गुब्बारों के अंदर पानी भर के उसे मारा जाए। उसकी बर्थडे के हमेशा से हम ना बहुत ही धूमधाम से करते हैं, क्योंकि वो सबसे छोटा है और उसको सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है। इतना प्रोटोकॉल हमारे घर में किसी को नहीं मिलता। अभी वो गया हुआ है पापा के साथ अपना गिफ्ट लेने, मम्मा पापा ने उसे जो गिफ्ट देना है वो लेने गया उसे, तो अभी मेरे पास बहुत अच्छा टाइम है, मैं मम्मा को आप ही को लगाऊँ। गुब्बारे हमारे पास हैं, अब पानी जब भरना ना गुब्बारों में, तो पहले मैंने सोचा कि गुब्बारे तो कितना पानी चाहिए, तो मम्मा कहती बेटा छोटे गुब्बारे मंगवाओ, क्योंकि अगर तो ज़्यादा बड़े गुब्बारे होंगे तो मेरे पूरे घर का पानी खत्म हो गया। तो मैंने बिल्कुल 0 साइज के गुब्बारे मंगवाए हैं, जिसमें भी पानी भरेंगे, और जब फसी आएगा तो फसी के ऊपर हम गुब्बारे मारेंगे। चमेलिया का बुआ दे, कमेलिया अब आते, चमेलिया अभी भी। अच्छा, अभी मैं देर सिर्फ ट्रायल लेने आई थी ऊपर के गुब्बारों में पानी भरो, मम्मा कहती ऊपर देख कर धूप चली गई नहीं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4:30 बजे का कुछ, तो गर्मी है, लेकिन शुक्र अल्लाह का हवा भी चलने लगे, तो मौसम थोड़ा सा जो है ना ठीक हो चुका है। तो अभी मैंने गुब्बारे में पानी भरा और बिल्कुल 0 साइज के बैलून्स लिए थे, ताकि ज़्यादा बैलून्स भर सकें और पानी कम इस्तेमाल हो, तो क्योंकि ना इसका मुँह छोटा है तो वो ऊपर टूटी के साथ लगे, मैंने दो गुब्बारे खराब कर लिए, तो मेरे पास सिर्फ 100 बैलून्स हैं, तो लेट्स सी क्या बनता है इनका। Rising up like a phoenix, been tired of pushed underground. Speaking my heart like it really is, 'cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get. No one can hold me back. I see, I like, I go. हुआ कुछ हुआ कि ये है कितने सारे, मतलब 100+ थे बिलों, तो ये बचे इतने से हैं, और जो ज़ाया हुए हैं वो ये सब हैं, और उसके बाद ये सारे ज़ाया हो गए हैं, ये फट गए हैं, मतलब इतने छोटे थे कि ये टूटे के साथ तो लटक ही नहीं रहे थे ना। तो अब मैंने सोचा कि मैं थोड़े से और लेकर आऊँगी, क्योंकि इनके साथ तो मज़ा आने वाला नहीं है, ये तो सारे इधर उधर ही निकल जाने, कोई एक आध इसको लगेगा। तो अब मैंने सोची हूँ कि जाके और लेकर आऊँ, लेकिन अभी टाइम हो गया सर की नमाज़ का, तो ब्रेक लेते हैं थोड़ी सी, और फिर दोबारा से मैं लेकर आती हूँ और फिर इनको भरते हैं। ये मामा मेरी मदद करा रही है मेरे साथ, और फसी अहमद आप अगर देख रहे हो ना, अब जब मैंने मामा को कहा कि मैंने और बलून्स मंगवाए हैं, तो मामा कहती है कि ना करो बेटा, क्योंकि जिसको हमने मार रहे ना उसका दिल इतना सा, बिल्कुल इतना सा, उसने रोने लग जाना है, लेकिन हमने तो रुलाना ही है ना उसे। No, God, please, no! अभी मैंने मुझको काम पे लगाया है गुब्बारे भरो, क्योंकि मेरी जो उंगलियां है वो बिल्कुल बुढ़ो वाली हो गई है। मामा 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 मामा
साथ में जानी बस ना, सही है ना? अच्छा ठीक है, अच्छा अब बेचारी खत्म नहीं अब बेचारी खत्म नहीं इतना बुरा किया, मैं तो कह रही केक नहीं काटा जब आपको लगे कि अगला मंजर ज्यादा खतरनाक है तो सारे गीले शीले हो गए हैं, अब बाकी की सेलिब्रेशन ओए बस फसी। The next day. चलो जी बताओ बर्थडे बॉय क्या काटना पसंद करोगे, चावल सलाद दही या मुर्गा? मुर्गा काटो काटो हैप्पी बर्थडे। ओए जज्बाती, आज हमने काटना है फसी की बर्थडे का केक, तो अभी तक ना केक आया है ना कोई और तैयारी हुई है, सिर्फ हमने खाना खाया। अभी बस हम ऊपर आने ही वाले थे पिक्चर्स के लिए और बारिश शुरू हो गई है नेचुरल लाइट में, लेकिन अब नेचुरल लाइट के साथ साथ नेचुरल नेचुरल पानी भी आएगा, सब कुछ गीला मीला हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि जब हम तैयार शहर हो जाएंगे तो फिर केक ले आएंगे और सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन पर मुझे क्या पता था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन सीन अच्छा हो गया क्योंकि इतनी गर्मी थी ना पहले, बारिश की वजह से मज़ा आ गया। केक इज़ नॉट अ बिग डील, वो तो आ ही जाएगा किसी ना किसी तरह से, लेकिन इन हवाओं का भी अपना ही मज़ा है। फसी का बर्थडे हो और लूडो ना खेलें पॉसिबल ही नहीं है, बाहर बहुत ज़ोर और शोर से बारिश चल रही है और फसी की जान सूखी पड़ी है क्योंकि फसी को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसे अगर आज को लगता है आंधी आई तो ये आंधी के साथ उड़ जाएगा। फसी का बर्थडे है और फसी को जीतना चाहिए लूडो में, मम्मा फसी को सही मारना आज हमने, ठीक है सही बदले लेने हैं। 2000 years later. कौन जीता? फसी जीता, फसी आया फर्स्ट, मैं आई हूँ सेकंड, मामा में कोई पसंद नहीं यार, मामा थोड़ी सी हार गई, पापा थोड़े से जीत गए। अच्छा हमने ये सीन किया है फसी के बर्थडे का, ये हमने हैप्पी बर्थडे लिखा है, हैप्पी का हमारा एक एज गायब हो गया। अब ये सीन इसलिए किया है क्योंकि फसी को ना बहुत शौक है घर घर बना के खेलने का, तो अब फसी के मेहमान नवाज़ में भी नहीं होगा कि हमने कुछ इस तरह की डेकोरेशन की है, तो ये मैंने क्या किया है कि ना घर टाइप बनाया इसके लिए, ये दो चार पहियाँ खड़ी करके उसके ऊपर चादरें शादरें डाल के, मतलब फुल जो है ना छोटे बच्चों के घर जिस तरह बच्चे बनाते हैं ना सरहानों से या मतलब किसी भी चीज़ से वो घर बना लेते हैं, तो वो लुक देने की कोशिश की गई है मैंने। तो अभी बस फसी को बुलाते हैं और फिर केक कट करते हैं। फसी का बर्थडे हो और पिज़्ज़ा ना हो पॉसिबल ही नहीं है। कल के बचे हुए कुछ गुब्बारे थे तो उसमें से अभी मैंने यहाँ लगाए थे, उसके बाद पंखा चलाया तो सिर्फ एक बचा, छह बचे थे और अब सिर्फ एक बच के बाद सारे फट फुट गए हैं। गैस तो करो क्या हो सकता है, आंखों से हाथ ना उठाना, पानी वाले बलून। अच्छा एक जो हो गया वो दोबारा करेंगे हम? नहीं अंडा है, अंडा है पका के है कि सादा ही है? थ्री को मार अभी मार 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 मैंने ऐसा एक्सप्रेशन उस बंदा से पहले कभी कुछ भी नहीं है, पर क्यों डराया था मुझे? कुछ भी नहीं है, इसमें मैं खेल छुप के खेला करती गोइंग समवेयर वी इन बिटवीन योर डे लाइट एंड नाइट टाइम विद ट्वाइलाइट वी आर लूजिंग सेंस ऑफ टाइम दिस फायर इनसाइड मी इट लाइट्स मी बिल्डिंग अप केमिस्ट्री ना तो उसको खाना पकाने का फिक्र है या खुशी है, ना तो केक की खुशी, उसको खुशी होती है गिफ्ट की। ये अच्छा ये मोइज़ और मैं इसको हमेशा वो गिफ्ट देते हैं जो हम भी यूज़ कर सकें, लेकिन इस बार मैंने फसी को अजीब गिफ्ट ले दिया, मैं यूज़ कर सकता हूँ। इट्स टाइम टू अनपैक द फसीज़ गिफ्ट जो कि हमने पैक किया ही नहीं है। फसी अहमद को आधे गिफ्ट का पता है, पापा मामा ने जो गिफ्ट दिया है वो आपको यहाँ दिखेगा, ए यहाँ करके यहाँ पे जजेस बैठे हुए हैं हमारे। पहले आई एक घड़ी बैटमैन वाली शर्ट पे पैकेज। अच्छा ये आई थी अगर दी थी अकमल ने 124 कलर, और ये शर्ट भी मैरी ने दी थी मुझे। इसकी एक्साइटमेंट फसी को सबसे ज्यादा क्योंकि इसका स्पॉइलर दे चुके थे हम फसी को, इसमें से ऐसी चीज निकल नहीं है जो फसी ने बाद में छोड़ देनी है। ये थी वो सही तो खोल फसी भी नहीं, फसी ऐसे डरा रहे हैं, फसी ऐसे करके आएगी ऐसे ऐसे डरा रहे हैं। ओ लंबी दम वाला जिन भाई चला रहे थे ना, दिस इज माय पेट, पेट को आग लगाने दे। फसी को शौक था फसी को हम कोई पेट लेके दें, लेकिन पर मामा को मुझे बहुत बुरे लगते, तो फसी को हमने कागज का पेट बना दिया। कैसा फसी? फसी ये कागज का एकदम से आते हैं पैरों में आके चिपकता, जान तो हमें इतनी सी है, पेट लेना है जनाब साहब ने वैसे। हाँ ना असली का अच्छा वाला लेकर तो एक छुपकला सा ले दिए।